नैन्सी, तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें चाहता था, आई लाइक, लेकिन ये जल्दबाजी मुझे अच्छी नहीं। लेकिन मैंने तो कोई जल्दबाजी करने को नहीं कहा। नहीं नैन्सी, तुमने कभी नहीं कहा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे कहने न कहने से क्या होता है, तुम्हारी मम्मी जिस तरह डंडा लेके मेरे पीछे पड़ी रहती है ना, नहीं डोंट मिसअंडरस्टैंड, तुम्हारी मम्मी के मैं कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी जो आदत है ना, मुझे देखते ही उनके अंदर शादी का बैंड बजने लगता है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं करा सकता, शादी की तो बात ही छोड़, और दरअसल मैं अभी इस झमेले में पड़ना भी नहीं था। नहीं जो नहीं, ऐसा मत कहो, कहीं जा रहा है क्या? हाँ मैम। तू तो कह रहा था कहीं भी नहीं जाएगा, कहाँ जा रहा है? नैन्सी से मिलने। क्या? हाँ मम्मी, नैन्सी से मिलने। तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ। कम ऑन मम्मी प्लीज, तुम मेरे मामले में और न बोलो, अपना काम मैं खुद संभालूं। डैडी ने तुझे बाहर ले जाकर यही समझाया है क्या? ये मैं कह रहा हूँ मम्मी, डैडी नहीं। क्या कहेगा नैन्सी से? यही कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, उसे जल्दी हो तो कहीं और कर सकते। यही कहना ठीक है, और जल्दी वापस घर आना। हाँ आंटी, पहली तारीख से मुझे तरक्की मिली है। अच्छा। और एमडी साहब ने कहा कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो। अब कितनी तनख्वाह हो गई तुम्हारी? 550। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखो एक काम कर, मैं अब भी आया। हेलो आंटी, दो नए मेहमान लाई हूँ साथ में। नैन्सी है ना घर में? आप क्यों नहीं? लेकिन आज मैं अभी चली जाऊंगी। हाँ तुम तो आंटी कल आने वाली थी, इस बार को क्या? हाँ वो तो आऊंगी, मैंने सोचा आज हेलिस को बता दूं। वो मैंने तुम्हें लड़का बताया नहीं था, फ्रांसिस, तो ये फ्रांसिस की दादी है और ये फ्रांसिस की मौसी है। हेलो। ये मेरे पास पड़ोस में ही रहती है, नैन्सी को देखने के लिए आई है। ये हमारी एलिस है ना? हाँ। फ्रांसिस को बहुत ही चाहती है, अपना वारिस भी उसे बना लिया है। मुझसे पूछने लगी लड़की देखने में कैसी है, मैंने कहा पूछती क्या है, चल मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ। अरे हाँ नैन्सी कहाँ है? नैन्सी, ये रही हमारी नैन्सी, आओ बेटी आओ। हेलो दादी। हेलो दादी, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। अरे बाद में चले जाना, मेहमान आए हैं, बैठ थोड़ी देर, मैं चाय बनाती हूँ। अरे चाय की जरूरत नहीं है, तू बैठ यहाँ। बैठो बेटी। अब खड़े क्यों है? यहाँ बैठो नैन्सी। तुम वहीं बैठ जाओ। नैन्सी आए इधर आना, बैठ जाए यहाँ पर। हाँ अब देख लो बहू को कैसी रहेगी फ्रांसिस। अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। मैं जाता हूँ आंटी। शर्मा गई। बाहर कुछ काम होगा, अभी आ जाएगी। रोजी तू एक काम कर, कल इतवार है ना, चर्च पर फ्रांसिस और उसके डैडी को लेके आती, क्यों? ठीक है ना? हेनरी, हेनरी चले क्यों आए? क्या बात है हेनरी? हेनरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैन्सी। हेनरी मुझे मालूम है हेनरी, लेकिन तुम जब चाहो अपना फैसला करना नैन्सी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जाती हूँ हेनरी, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। सुनो नैन्सी, सुनो नैन्सी।
हेलो नैन्सी। हेलो टोनी, सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे दो एक जरूरी बातें करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जस्ट अ मिनट नैन्सी, तुम कुछ कहो इससे पहले। नहीं टोनी, पहले मुझे कह लेने दो। मैंने आते आते ही फैसला कर लिया है कि मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे आज ये कहकर ही रहूंगा। मैंने भी फैसला कर लिया है कि जो होना था हो चुका, मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। क्या? मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तो कहने आया था कि अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन मिलेंगे क्यों नहीं? नहीं नहीं नैन्सी, ये कुछ दिन तुमसे न मिलके मुझ पे जो गुजरी है वो तुम मुझसे नहीं मिलोगी। देखो तुम, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी मामा पसंद नहीं, लेकिन जैसी भी है वो मेरी मामा है। शायद थोड़ी ना समझ है, लेकिन वो जो कुछ भी करती है मेरी भलाई के लिए ही करती है ना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझसे मजबूरन शादी करनी पड़े। नैन्सी, तुमसे कोई मजबूर होके क्यों शादी करने लगा? तुमसे तो जो भी शादी करेगा बहुत भाग्यवान होगा। थैंक यू टोनी, मुझे जो कहना था कह दिया। हम अब और नहीं मिलेंगे। नैन्सी, कम ऑन नैन्सी, मेरी तरफ देखो। मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा नैन्सी, और तुम्हारी मम्मी क्या चाहती है ये भी मैं जानता हूं। मेरे यहां भी एक मम्मी है, और मजे की बात यह है कि यह सब हमारी भलाई चाहते हैं। लेकिन लेकिन इनके कहने सुनने से तो... टोनी सुनो नैन्सी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, काफी बड़ा हूं, और मेरी नौकरी भी अब पक्की हो गई है। और यकीन करो, तुम्हारी मम्मी से मेरा कोई बैर नहीं, रियली। जब तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए, तो क्यों ना हम उसकी खुशी को पूरा कर दें? हाँ नैन्सी, मैं ठीक ही कह रहा हूं। पता नहीं क्यों अब तक ठीक ठीक कुछ तय नहीं कर पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था नैन्सी। घर से तो मैं यही सोच के चला था कि तुमसे कह दूंगा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुमने कह दिया कि हम और नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो पता नहीं क्यों सब गड़बड़ हो गया नैन्सी। और अब आज यहां इस समुंदर के किनारे इस वक्त यकायक सब साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल इस पानी की तरह कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और एक अजीब बात हुई नैन्सी, मैं जब यहां आ रहा था ना, रास्ते में हमारा चर्च है, वहां देखा एक दूल्हा और एक दुल्हन चर्च में से आ रहे हैं, सब खुश है, दूल्हा भी और दुल्हन भी। तब मैं सोचने लगा कि आखिर शादी में बुरा ही क्या है, सभी तो खुश हैं। देखो तो इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या क्या गुजरता रहता है, कभी कभी यकीन नहीं होता। नैन्सी, बेचारा हेनरी आज यहां आते वक्त क्यों कहा उसने, कब से परेशान हूं। उसे तो मेरे और टोनी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब और देर नहीं, मुझे भी फैसला कर लेना चाहिए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज की मुलाकात का ये नतीजा होगा। चलो चलो, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। हेलो हेलो, नैन्सी का टेलीफोन देने के लिए शुक्रिया, और आपने टोनी को यहाँ भेजा इसलिए आपको भी शुक्रिया। लेकिन डैडी तुम और अंकल आप
अरे मैंने ही तुम्हारे डैडी का पता ढूंढकर उनसे मिला और चलो 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 देर हो जाएगी, कल ही चर्च जाकर शादी का इंतजाम करना है। जरूर जरूर। जो फैसला करना है आज ही कर लेंगे, क्या क्रांति? हाँ जी, शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। हाँ हाँ जी। अरे वो लोग आ गए। रोजी अच्छा हुआ फिलोमिना आंटी तुम आ गई, मैं आज खुद तुम्हारे घर जाने वाला हूँ। आज 3 बजे टोनी और नैन्सी की शादी है। आंटी आंटी इन दोनों को मुबारकबाद नहीं दोगी? चलो चलो आंटी, चलो 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 छाता लाओ आंटी। जरा प्लीज नजदीक आइए। हाँ जी नजदीक प्लीज। हाँ स्टडी स्माइल थैंक यू वन मोर प्लीज। आ जाओ आ जाओ इस तरफ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम कम ऑन हेनरी हेनरी